नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं देखने वाली हूँ जिनका बर्थडे आज है, यानी 5th ऑफ सितंबर। 5th ऑफ सितंबर यानी टीचर्स डे के दिन जो पैदा हुए हैं उनके लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, वीक के साथ ही ईयर कैसे रहने वाला है ये साल। मैं रीडिंग्स करूँ उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। 5th ऑफ सितंबर वाले लोग वर्गो हैं और काफ़ी परफेक्शनिस्ट जैसे होते हैं, इनके लिए कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं आने वाले टाइम में देखते हैं हम अभी। इमोशनली नए नए रिलेशन इनके शुरू हो रहे हैं, फैमिली लाइफ के लिए बहुत सोचते हैं, फैमिली को आगे को छोड़ के आगे बढ़ना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो इनके लिए हर्डल भी बनती है फैमिली लाइफ, और ये फैमिली लाइफ इनके लिए एक प्रेरणा का कारण भी है। नई नई चीज़ें दिमाग में आ रही, पर डीप डाउन कहीं कुछ चीज़ें हैं जो ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और कुछ ट्रबल भी रहा है। पास्ट में इनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं, इन्होंने नए नए प्लान सोचे हैं, काफ़ी दूरदर्शी इंसान है ये, लेकिन जब ये अभी करंटली क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत नई चीज़ें, इमोशनल रिश्ते नए बन रहे हैं, रिश्ते नए आ रहे हैं, नया काम भी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ जेलेसीज भी आती जाएंगी, चाहे वो क्योंकि जैसे ही सक्सेसफुल होते हैं लोग हमसे जेलस होने लग जाते हैं, तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ एनर्जीज ऐसी रहेंगी, कुछ फेमिनिन एनर्जीज हो सकती हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करेंगी, पॉजिटिवली भी कर सकती हैं और नेगेटिवली कर सकती हैं। ये अभी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, अपने जिस भी एरिया में थे, जो भी सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ें थी उससे बाहर जा रहे हैं, और हो सकता है थोड़ी ये स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू कर दें। और बेस्ट चीज़ क्या है, इनके लिए जो इनका परिवार है वो इनकी सारी इच्छाएं पूरी करता है, जहाँ तक है इनके लिए खड़ा रहता है, इनको मदद करता है। तो ओवरऑल आई वुड से कि ये जो 5th सितंबर वाले लोग हैं ये इमोशनली काफ़ी रिच हैं, फाइनेंशियली। कई बार ऐसा होता है कि हम फाइनेंशियली रिच होते हैं पर रिश्तों से हम खाली होते हैं, रिश्ते हमारे पास नहीं होते हैं, तो आपके केस में यू आर वेरी रिच, जो कि रियल रिचनेस है, दैट इज़ बीइंग इमोशनली रिच, यू हैव गॉट ऑल द रिलेशंस इन योर लाइफ। आप ये चाहते हैं, आपको होप्स और फियर्स वाले सिचुएशन में ये है कि आप थोड़ा सा डरते भी हैं, लेकिन आप में ताकत भी है कि आप आगे बढ़ जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत फियरलेस इंसान है। कुछ सैडनेस आने वाले टाइम में आने वाली है, सैडनेस जो आने वाले टाइम में आने वाली है, तो मैं ये चाहूँगी कि आप धीरे धीरे से आप उन चीज़ों को ना छोड़िए, उसमें रहिए। आई मीन इमोशनल सैडनेस को, इमोशनल चीज़ों को मत देखिए। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं, जब हमारी चीज़ में नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी ये इमोशनली आप लोगों के लिए जितना रिच टाइम अभी है, थोड़ा सा आपको सेटबैक हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है, और आपके साथ सारे गुरु गाइड सब आपके साथ हैं, तो आप अगर आप उनके साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं कहती हूँ हायर फ्रेंड को फॉलो करें, और अगर मैंने जैसे कहा कि कोई रिलेशनशिप नए आने वाले हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी इस साल हो सकती है, और अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ देख रहे हैं तो ये भी प्रपोजल शादी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ओवरऑल ये 5th सितंबर वालों के लिए साल अच्छा रहेगा, इमोशनली काफ़ी अच्छा है, तो आप अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बना के रखिए, कार्ड्स यही गाइड कर रहे हैं। आपको रीडिंग्स कैसी लगी, अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ आप चैनल में कॉमेंट करिए, कॉमेंट बॉक्स में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दिस वॉज सीमा टॉकिंग टू यू, बाय बाय।